नगर निगम श्रीनगर के डिप्टी मेयर परवेज कादरी ने नगर निगम के कमिश्नर द्वारा पहली जनवरी 2023 के बाद किए सभी कार्यों और आदेशों को अवैध बताया है। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए परवेज कादरी ने कहा कि नगर निगम अधिनियम 2000 की धारा 45 के तहत एक स्पेशल आर्डर 271 के तहत नगर निगम कमिश्नर श्रीनगर का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और उनके द्वारा पहली जनवरी 2023 के बाद किए गए सभी कार्य और आदेश अवैध हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को SMC एक्ट के नियम के अनुसार नए कमिश्नर की नियुक्ति करनी चाहिए। श्रीनगर से न्यूज जम्मू के प्रमुख फिरदौस खान की रिपोर्ट। जो कि एक्सपायर हुआ है 31/12/2022 को, तो फर्स्ट से जो भी काम यहाँ पे कमिश्नर द्वारा होता है, मुझे नहीं लगता है कि जो SO है उसके हिसाब से वो काम सही है, क्योंकि SO का टाइम जो है वो 31/12/2022 को ख़त्म हुआ है। और हमने गवर्नमेंट को लिखा भी है, मैंने भी एक चिट्ठी लिखी है गवर्नमेंट को कि SO ख़त्म होने वाला है, तो अभी तक यहाँ पे नए कमिश्नर की तैनाती नहीं हुई। और अब ये कुछ और देखते उसमें कि कानूनी क्या हो सकता है, मगर जो SO निकाला है, जो SO में डिटेल्स दी गई है सेक्शन के हवाले से, सेक्शन 427 के हवाले से, वो जो SO है वो 2 साल तक इम्प्लीमेंट रहता है। 2 साल से पहले उन्होंने उस SO में ही लिखा है कि 2 साल से पहले ये हम कभी भी रिमूव कर सकते हैं, नॉट बियॉन्ड 2 ईयर्स ये एक्सटेंड हो सकता है। उसमें सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि ये कॉरपोरेशन का मसला है, यहाँ पर जो हमें एक मैंडेट है कॉरपोरेशन के पास, मुझे नहीं लगता है कि कमिश्नर साहब आगे इसको चला पाएंगे। देखिए, इसमें और कोई प्रोविजन नहीं है, सेक्शन 427 रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज है, उन्होंने उस समय की जो उनको लगी कि एक डिफिकल्टी है तो इस सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं, मगर सेक्शन 2 सालों के लिए यूज़ किया जाता है। उसमें उन्होंने बाज़ाबता इफेक्ट दिया है 1/1/2021 से, जो कि 31/12/2022 को एक्सपायर हुआ है, 31/12/2022 को वो एक्सपायर हुआ है।